इन दिनों कई गांव में किसान जागरूकता के अभाव में लगातार पराली जला रहे हैं, जो लोगों को स्वास्थ्य सहित वातावरण को लगातार प्रभावित करती है। इसको लेकर शासन प्रशासन की ओर से खेतों में पराली के जलाने पर वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया। वहीं दूसरी ओर किसान पराली को न जलाएं, इसके लिए जिला प्रशासन ने इन दिनों एक मुहिम भी चला रखी है, पराली दो और खाद लो। इस कार्यक्रम से जहां पराली जलाने के मामले में कमी आ रही है, वहीं किसानों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में पराली लादकर गौशाला पहुंच रहे हैं और वहां से गोबर की खाद को लेकर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से चलाई जा रही इस मुहिम से जहां एक तरफ आग लगने की घटनाओं में कमी आ रही है, वहीं गौशालाओं में चारे की व्यवस्था भी हो रही है। ये तस्वीरें ब्लॉक 52 की गौशाला की है, जहां किसान अपने ट्रैक्टरों से पराली लेकर पहुंचे हैं और यहां पराली देकर गोबर की खाद लेकर जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस तरह वो पराली का सही उपयोग कर पा रहे हैं। और सरकार की योजना है कि पराली दो और खाद लो, इससे पर्यावरण का जो है नुकसान नहीं होगा। लोग पहले पराली जला देते थे और उसका जो है पर्यावरण पे नुकसान पड़ता था, तो सरकार ने इसको दंडनीय अपराध घोषित किया है कि आप लोगों ने जागरूक किया है किसानों को कि आप लोग पराली दो और खाद लो। इसलिए हम आज दो ट्राली पराली हम इस गौशाला को दिया है और उसके एवज में एक ट्राली हम ये गोबर की खाद ले रहे हैं, और जिससे अपने खेतों में डालेंगे, जमीन भी उपजाऊ होगी और पराली जलाने की नौबत भी नहीं आएगी। एक ट्राली पास दे रहे हैं और सबसे जाकर हमने गांव-गांव भी कही और सूचना भी सारे क्षेत्र में है, किसान भाई हमें पराली दे रहे हैं तो एक ट्राली वो पास ले जा रहे हैं, दो ट्राली हमारे गौशाला में पराली दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनके खेत भी मजबूत हो रहे हैं, यहाँ से खाद ले जा रहे हैं, हरी खाद जा रही है, वहाँ से वो चेहरा दे रहे हैं। चेहरा जो फूकने पर अपराध है, शासन से सरकारी आदेश है, इसलिए हम क्षेत्र में घूम टहल के हर आदमी को सूचना दिए हैं। पराली दो खाद लो पर जानकारी देते हुए डीडी कृषि नंद किशोर ने बताया कि करीब एक महीने से हम किसानों के बीच जाकर उनको प्रेरित कर रहे हैं कि जमीन की सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए पराली गौशाला तक पहुंचाएं और खाद लेकर जाएं। इससे किसान भाइयों को ना तो आग लगानी पड़ेगी और खेतों को भी गोबर की खाद से पोषण मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसान भाई दो ट्रॉली पराली देकर एक ट्रॉली गोबर की खाद लेकर जाते हैं। कहां ये आयोजित किया गया? ये माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है उनका आदेश है कि फसल अवशेष पराली में आग लगाना दंडनीय अपराध घोषित हो गया है, तो इसलिए किसान भाइयों को जागरूकता फैला करके ये प्रेरित किया जा रहा है कि फसल अवशेष में पराली में आग न लगाएं और जो नज़दीकी गौशाला है उसमें दो ट्राली पराली दे करके बदले में एक ट्राली गोबर की खाद ले लें। इससे गौवंश का भी पोषण हमारे होगा और हमारी जो है धरती माता को गोबर की खाद मिलेगी तो धरती माता भी उपजाऊ हमारी हो जाएगी। किसान भाइयों के लिए, गौवंश के लिए, धरती माता के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए ये परस्पर बहुत उपयोगी योजना है और इसमें बढ़ चढ़ करके हमारे किसान भाई जो है भाग ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से चलाई जा रही मुहिम के बाद 6000 मीट्रिक टन पराली अब तक गौशाला तक पहुंच चुकी है और पिछले साल की अपेक्षा इस साल आग की घटनाओं में काफी कमी भी दर्ज की गई है। पंजाब केसरी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।